अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी सिद्दीकी चैनल से और हमारे जावेद साहब एएसजे न्यूज़ चैनल से आज एक अहम मुद्दे पर और एक अहम जो पूरे हैदराबाद में मौजू बहस बना हुआ है डीजे, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। चूंकि आज कमिश्नर ऑफिस में एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें शहर हैदराबाद के मौजिज़ीन को और कई सियासी पार्टियों के सरबराहों को बुलाया गया था इस बात पर बहस करने, और एक टेबल कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की गई जिसमें ये देखा गया कि तमाम जितने लोग वहां पर शरीक हुए थे उन्होंने एक सुर में ये कहा कि डीजे हमारे जुलूसों में, वो किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, उसमें डीजे नहीं होना चाहिए। जिसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सीबी आनंद साहब ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि ये जो नौजवानों में जो रुझान बढ़ रहा है डीजे बजाने का और उसके सामने नाचने का, तो ये कॉन्सेप्ट इस्लामी मामलात में और किसी भी मजहबी मामलात में ये डीजे बजाना जायज़ नहीं है, सही नहीं है, माहौल के हिसाब से भी सही नहीं है, और इस्लामी तरीके में तो बैंड बाजा गाजा ये सब हमारे पास जायज़ नहीं है, ये बजाना भी गुनाह है जहाँ तक हम सुने हैं। तो आज इसी सिलसिले में चूँकि मोहतरम जावेद साहब जो एएसजे न्यूज़ चैनल के चेयरमैन हैं और इस तरह के मामलात पे आपकी एक खासी नज़र रहती है, तो आज कमिश्नर ऑफिस की जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग थी वो ख़त्म होने के बाद आपसे इस सिलसिले में बात करने, गुफ्तगू करने और लोगों की रहनुमाई के लिए मैं आज यहाँ पर ऑफिस पे हूँ। और जावेद भाई, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये करूँगा, जैसा कमिश्नर साहब ने एक अहम मीटिंग बुलाई तमाम शहर हैदराबाद के सियासी पार्टियाँ, गैर सियासी पार्टियाँ, एनजीओस के सरबराहों को बुला के, तो इससे आपको क्या अंदाज़ा लगता है? सबसे पहले जिस किस्म के मुज़ीर असरात डीजे से और बेहयाई का जो नमूना और इसके जो मनाजर शहर हैदराबाद को ख़ास तौर से पिछले कई एक रिलीजियस मीटिंग्स में या जुलूस में जो है, या चाहे आप चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो और बिलखसूस जो मीलाद के मौके पे जिस किस्म की बदनज़मी की गई, रोज़े रोशन की तरह आया है, जैसा आपका सवाल तो बेहतरीन है। और मैं जहाँ तक आप अगर मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इसके मुखालिफ है, तो एक संजीदा शहरी और एक अच्छा आदमी तो अपने पड़ोसियों की तकलीफ़ का भी एहसास कर सकता है। डीजे जब रोड पे से जाता है या सड़क से जाता है, चाहे वो किसी मज़हब से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, मैं यहाँ पे किसी एक मज़हब को मैं टारगेट या एक मज़हब से बात आपसे नहीं करूँगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो सबसे पहले उसको खाना खिलाओ। तो मेरे नबी ने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अमन का पैगाम है, ये जो एक दूसरे की भलाई का जो काम है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचने से जो जो काम है उससे मना करने के लिए आज से 1500 साल करीब, अभी ये साल जो है अगर है तो 1500 साल हो जाए, 14 के ऊपर हम चल रहे हैं। तो सुभानी साहब, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये चीज़ को जो है मना किया गया था, ये चीज़ को बिल्कुल बैंड बाजा, जैसा कि आप बजा फरमाए कि बैंड बाजा नाचना गाना, ख़ास तौर पे जो है ना जिस किस्म से जो मजहबी जो त्यौहार में और मजहबी जो प्रोग्राम्स है इसके अंदर जो बदनज़मी पैदा हो रही है, तो मेरे नबी ने फरमाया कि भाई पड़ोसी का आप पहले हक अदा करो और पड़ोसी को तकलीफ मत दो, क्यों कि क़यामत के रोज़ और उसके बाद में जन्नत के अंदर जो है आपका पड़ोसी ही आपका साथ बन सकता है जन्नत में, मेरे नबी फरमाते हैं। मतलब गोया कि इसका समझाना मेरे नबी का ये था कि अपने पड़ोसी की भी कदर करो। तो भाई सुभान भाई, आप बोलिए, परसों आपने देखा कि मीलाद के मौके पर किस किस्म की बदनज़मी की गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरे नौजवान ऐसे पुराने शहर के नहीं है, पुराने शहर में एक से काबिल बच्चे है, काबिल नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है, इस बात को उनके भी दिल में जो है ये दर्द और कड़प महसूस कर रहे हैं कि डीजे से मुट्ठी भर नौजवानों ने पूरा बदनज़मी पैदा किया। तो मेरा ये जो आज कमिश्नर साहब का जो है ना आप मीटिंग का जरिए जिसमें तमाम सहाफ़ी थे और ख़ुद आप भी जो है मारूफ सहाफ़ी है, आप भी जो है ना उस पर जो है ना मौजूद थे,
और कहीं सियासी हो या मजहबी हो या एनजीओ जैसे आपने कहा कि वो लोग है, लेकिन अगर आप मेरे से सवाल करते हैं कि क्या साहब आप इसके मुखालिफ है, तो मेरा 100% जो है ना, मैं डीजे के खिलाफ हूँ और हम जो है ये जो कमिश्नर के बयान की हम तायद करते हैं। मैं समझता हूँ हर जी शऊर आदमी इसकी तायद करेगा। आपका क्या तासर है इस ताल्लुक से सुभानी साहब? आप मैं तो यही चाहूंगा कि कमिश्नर साहब और तमाम जो जिम्मेदार हैदराबाद के है, सियासी पार्टी है, जो एनजीओ है और जो मुहतरिक सोशल वर्कर्स है, सोशल काम करने वाले हैं, इनको बैठकर एक लायअमल तय करना चाहिए कि आइंदा कोई मजहबी जुलूस में इस तरह की बदनज़मी पैदा ना हो और डीजे और बाजा गाजा ना हो। और हमारे पास तो हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है, हमारा जो मिलाद जुलूस है वो निहायत अदब और एहतराम के साथ निकलना चाहिए और मिलाद जुलूस मनाएंगे और हमेशा मनाएंगे, लेकिन उसके आदाब और एहतराम के साथ मनाएंगे। हमारा भी यही ख्याल है, हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि डीजे पे पाबंदी लगाई जाए मिलाद जुलूस पर। आप दूसरे कोई बजा लेते हैं तो बजा लेनी हो, हमारे को उससे ताल्लुक नहीं है। हमारे जो मजहबी मामलात है, जैसा मिलाद जुलूस है, मुहर्रम का जुलूस है, कल मुहर्रम के जुलूस में तो डीजे नहीं था अब तक, आइंदा भी शायद नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह के मजहबी जुलूसों में डीजे पे पाबंदी लगना चाहिए और मिलाद कमेटी जो है वो अपना 100% इसमें काम करी है और बार बार अपने जो मीटिंग्स हुए हैं उनके उसके अंदर नौजवानों को तरजीब दी गई है कि इस तरह की अमल ना करें, लेकिन चंद मुक्तिबर नौजवान जैसा अभी आपने फरमाया कि इनकी बदमाशी की वजह से पूरे हैदराबाद के नौजवानों पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हैदराबाद की आवाम ऐसी ही है जो मिलाद जुलूस के मौके पर इस तरह का हंगामा आराई करती है, तो ऐसा नहीं है। हैदराबाद की आवाम पुरअमन है, समझदार है और काबिल तरीन नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बावजूद भी चंद नौजवान जो मुझे जो इत्तलात मिल रही है कि बाज़ नौजवान हैदराबाद के उसमें है ही नहीं, जो लोग बाहर से आए हैं काम करने के लिए बिहार यूपी इस तरह के कंचन नौजवान उसमें मिले हैं और हमको पता चला है, तो इसके बारे में भी आप कहें जो बाहर से लोग आए हैं। सुभानी साहब, मैं यहाँ पे एक बात आपके सामने जो है वो करूँगा कि आप भी उस दिन फील्ड के ऊपर थे तकरीबन जो है रिपोर्टिंग के लिए फील्ड पे थे और हम भी माशाल्लाह फील्ड पे थे, तो आपने या हम भी जो है ना इस चीज़ को गौर किया होगा, हज़ारों का लाखों का मजमा था लेकिन जब जो है जोहर की जब अजान हुई तो मस्जिदों के अंदर 3-4 सबसे ज्यादा जो है ना नहीं था। ये भाई ये क्या है, ये नमाज के लिए कोई नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि डीजे के बजाय एक ही काम मस्जिदों के अंदर मुकामी तौर के ऊपर, मेरी ये तजवीज है हमारे सुभानी भाई, बिल्कुल बजाय इसके के जो है ना सिर्फ अगर आप जुलूस अगर होगा, सिर्फ अगर जुलूस अगर है तो सिर्फ जो है बड़े गाड़ियों के अंदर जो विदाउट डीजे के, मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल अगर रखे तो फिर उसका साइलेंसर निकाल के तमाशे कर दे। एक बस्ती से एक निकला, मगर खासतौर पर मैं ही चाह रहा हूँ मुकामी सतह के मस्जिदों में दुरूद और सलाम की महफिल है। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ मुकामी सतह पे बिल्कुल दुरूद और सलाम की महफिलों का इनेकाम मस्जिदों में करना चाहिए। आपका क्या ख्याल? और एक बात है, जुलूस अगर निकलता भी है तो खासतौर पर वहाँ पे नमाज का अहतमाम होना चाहिए। जैसा जैसा मक्का मस्जिद से जोहर की नमाज के बाद जुलूस निकलता है तो मक्का मस्जिद में शर्त लगाइए कि जोहर की नमाज तमाम जो लोग जुलूस में शिरकत करेंगे वो मक्का मस्जिद में जोहर की नमाज अदा करेंगे। मगर अब देखा यह गया कि मक्का मस्जिद में देखे तो कोई नहीं है, बाहर देखे तो हुजूम है, लाखों का हुजूम है, जोहर की नमाज हो रही कोई नहीं है। उसके बाद फिर असर का टाइम आ गया, असर तक जुलूस चल रहा, असर की नमाज हुई, अजा हुई, ना जुलूस रुकता ना लोग नमाज पढ़ते। तो ये तमाम बातें हैं इसके ऊपर जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, हम जिनकी कदर करते हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर मुहिम चलाए, नमाजों की पाबंदी हो, खा वो जुलूस हो या जलसा हो कुछ भी हो, मगर सबसे पहले नमाज है, नमाज की पाबंदी हो, उसके बाद आप सब करिए। और जो लोग नमाज पढ़ के अल्लाह को याद करके अल्लाह के सामने सजदा करके जो बाहर निकलते हैं वो शर नहीं फैलाते और पुरअमन इसका नाम ही इस्लाम, इस्लाम खुद पीस का नाम है। तो ये एक अहम मौजूद था आज का, क्योंकि डीजे चल रहा है तो हमारे सीनियर सहाफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो आप लोगों के लिए जो कमिश्नर ऑफिस में जो मीटिंग हुई उसके तासुरात भी आपको बयान करना था और वहाँ के क्या बात हुई वो भी आपको बताना था, तो एक मौके के लिहाज से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह और कुछ ऐसे मौक़ों पर और अहम टॉपिक पर आपके सामने ज़रूर पेश होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उम्मीद करता हूँ कि मैं हमारी इस तजवीज़ को और भी जो सहाफ़ी जो लोग हैं हमारे बरादरी के
वो लोग अपने अपने चैनल के जरिए ऐसे मुबाहसे करके, जैसा कि आज जो है ना हमारे सीनियर सहाफ़ी सुभान सिद्दीकी साहब के साथ आज हम ये शर्फ हासिल करें कि आपके दरमियान में अपनी बात रखे, यानी सहाफ़त की बात आपके सामने रखे। हम सहाफ़ी तो नहीं है, सहाफ़त के तालिबे इल्म है, सहाफ़ी तो बहुत बड़े लोग को कहते हैं, हम तो तालिबे इल्म है। मैं तमाम सोशल मीडिया के जितने भी जो इदारे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि सुभान सिद्दीकी साहब की इस तजवीज़ यानी हर टाइम अपने चैनल के जरिए आप ये डीजे के खिलाफ में मुहिम चलाइए। आप अपनी सोशल मीडिया जो है इसके जो करता धरता चैनल्स है, जो बड़े चैनल्स है जिनको लाखों फॉलोअर्स है, लोग देखते हैं, वो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अपन ये माशरे की सुधार के लिए एक मुहिम चलाए, एक प्रोग्राम इस माशरे की सुधार के लिए। यही एक डीजे बोल के नहीं है, सूदखारी है, नशाखोरी है, इसके ऊपर भी हमको काम करना है। एक 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 शो दीजिए, 15 मिनट का क्यों ना होता, आप इसकी अवेयरनेस के लिए लोगों में एक शो बनाइए। तमाम सोशल मीडिया के चैनल्स वालों से मैं तमाम गुजारिश करता हूँ कि हम पे भी जिम्मेदारी है, सिर्फ ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, हम पे भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने माशरे की सुधार के लिए आगे बढ़े और कुछ काम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।